सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दोस्तों आज हम आपको सेशन देने जा रहे हैं बेस्ड है तहसीलदार इंटरव्यू। और आपको बताना चाहूंगा, यदि आप इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं या फिर आप रिटन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और हमारे दोनों चैनल पीडी क्लासेस और इंटरव्यू गाइड पर आपको अबंडेंट ऑफ वीडियोस रिगार्डिंग स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज के मिलेंगे। इवन पटवारी इंटरव्यू रिलेटेड आपको पीडी क्लासेस पे जरूर मिलेगा। तो मोनिका, सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू सर। मोनिका, आज जो हमारा सेशन है बहुत यूनिक है और बहुत से हमारे बच्चे हो सकता है तहसीलदार के रिटन एग्जाम के लिए जा रहे हो। यस। इंटरव्यू अगर वो फेस करते हैं आने वाले टाइमिंग के अंदर, तो मैं ये कहूंगा ये इंटरव्यू उनके लिए बेनिफिट रहेगा। और बताना चाहूंगा आपको कि यदि तहसीलदार के लिए रिटन एग्जाम के लिए हमारे स्टूडेंट जा रहे हैं तो वेल एंड गुड है। yes, मगर यहाँ पर और भी बहुत से तरीके की जॉब्स हैं, जैसे जयपुर मेट्रो के अंदर तहसीलदार रिलेटेड जॉब निकली है। yes, जिसमें इंटरव्यू डेफिनेटली है। yes, तो हमारे उन स्टूडेंट्स को भी आज का वीडियो बेनिफिट रहेगा जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या रिटन की कर रहे हैं। तो मोनिका, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि तहसीलदार का वर्क प्रोफाइल क्या होता है। सर, अगर हम तहसीलदार की पोस्ट पर हैं तो हमारी सोसाइटी के प्रति बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ होती हैं। तहसीलदार इज आल्सो नोन एज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ कंसर्न तहसील। ही कलेक्ट दी कैनल रिव्यू, लैंड रिव्यू एंड अदर केसेस हैंडल और परफॉर्म दी अदर गवर्नमेंट ड्यूज और परफॉर्म दी अदर ड्यूटीज़। सर, इनका कार्य डिस्ट्रिक्ट, इनका कार्य पटवारी के कार्य को सुपरवाइज करने का होता है। और जो तहसीलदार होते हैं उन्हें डिस्ट्रिक्ट लेवल का लैंड रिवेन्यू ऑफिसर भी कहा जाता है। इनका कार्य होता है लैंड का रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना और लैंड रिवेन्यू को कलेक्ट करने का और डिस्प्यूट्स को हैंडल करने का। और कोई जमीन में आपसी विवाद है किसी व्यक्ति के बीच में तो उसको भी सॉल्व करने एक तहसीलदार की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स को कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना, फार्मर्स को जो जैसे कि उनकी जो भी जमीन है उसका रिकॉर्ड जब लेते हैं तो उनकी कॉपीज भी प्रोवाइड करवाना और फसल आंकड़े और राजस्व जो टैक्स है या फिर कोई रिकॉर्ड है उसको कलेक्ट करने की जिम्मेदारी एक तहसीलदार की होती है। चलिए, फिर तहसीलदार पटवारी के वर्क को कैसे हैंडल करता है, कुछ आइडिया दीजिए। सर, जो पटवारी होते हैं उनका कार्य भी तहसीलदार की तरह होता है थोड़ा बहुत, जैसे कि रिवेन्यू को कलेक्ट करना, एंट्रीज को हैंडल करना और क्रॉप्स रिलेटेड जो भी डेटा है उसको मेंटेन करके रखना रिवेन्यू को कलेक्ट करने की जिम्मेदारी होती है। तहसीलदार जो पटवारी का कार्य है उसको सुपरवाइज करता है और इसके जो पटवारी के कार्य होते हैं उनको सुपरविजन करने की जिम्मेदारी एक तहसीलदार के ऊपर होती है। और पटवारी की भी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी जो काम की जो रिकॉर्ड है वो एक तहसीलदार की तरफ पहुँचाए। लैंड रिलेटेड, टैक्स रिलेटेड अदर केसेस हैं वो भी एक तहसीलदार को हैंडल करने होते हैं। ओके, डिस्ट्रिक्ट को ओवरऑल कौन हैंडल करता है फंक्शनिंग को? सर, फंक्शनिंग को जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो फंक्शनिंग है उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैंडल करता है। ओके, चलिए, आप तहसीलदार क्यों बनना चाहते हैं, टेल मी द रीजन। सर, मैं तहसीलदार इसलिए बनना चाहूँगी क्योंकि मैंने बहुत से कंपटीशन एग्जाम दिए हैं रिसेंटली, बट मेरा लकीली सिलेक्शन तहसीलदार पोस्ट के लिए हुआ है तो इसलिए मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। और सर, मैं बताना चाहूँगी, मैं एक मिडिल क्लास फार्मर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। जो भी लैंड रिलेटेड और रिवेन्यू रिलेटेड जो भी केसेज हैं उनसे मैं काफ़ी अवगत हूँ तो मुझे लगता है कि ये वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत काम आएगा। जैसे कि सर, मुझे इनको जो स्टेटमेंट्स हैं इनको इजीली हैंडल कर सकती हूँ, इनसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और टैक्सेशन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है तो टैक्स रिलेटेड भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उसे इजीली हैंडल कर सकती हूँ। और सर, मैं बताना चाहूँगी, मैं अपने फादर का हेल्पिंग हैंड बनना चाहती हूँ और मैं अपने फादर से बहुत कुछ सीखा है और मैं उसे काफ़ी इंस्पायर हूँ। और गवर्नमेंट जॉब में जुड़ना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी सर, इसलिए मैंने इस प्रोफेशन को चुना। ओके, चलिए, आपने जितने भी कार्य तहसीलदार के बताए हैं क्या इसके अलावा भी कोई कार्य होते हैं? यस सर, इसके अलावा भी एक तहसीलदार के बहुत से वर्क्स होते हैं, जैसे कि कैटल या फसल रिलेटेड जो भी विपदा आने पर उसे कंसप्शन मुआवजा प्रोवाइड करवाना भी इनकी जिम्मेदारी होती है। अकाउंट्स रिलेटेड हैंडल करना, सब डिविजनल को सुपरवाइज करना, उनको रिपोर्ट प्रोवाइड कराना भी इनकी जिम्मेदारी होती है। और इसके अलावा सब डिविजनल ऑफिसर्स को रिपोर्ट करना और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को सेफ्टी के साथ रखना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। इसके अलावा इनको सॉइल फर्टिलिटी का भी ध्यान रखना होता है, लैंड मैनेजमेंट कमेटी होती है उनको सुपरवाइज करने का वर्क करती है, और सर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को भी इनको रिपोर्ट करनी होती है। ये सब जिम्मेदारी एक तहसीलदार की होती है। ओके, तहसील लेवल पर गवर्नमेंट बॉडीज को क्या कहा जाता है? सर, पंचायत कमेटी कहा जाता है। मोनिका, पीआरआई की फुल फॉर्म क्या होती है? सर, पीआरआई की फुल फॉर्म होती है पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। ओके, मोनिका, थ्री टायर ऑफ पीआरआई के बारे में बताइए। सर, ये ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल, पंचायत समिति एट द तहसील लेवल, जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ओके, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया के फादर किसे कहा गया? सर, लॉर्ड रिपन को कहा गया। ओके, ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी किसे कहा जाता है? सर, ग्राम सेवक को कहा जाता है। ओके, इन्हें और भी किसी नाम से जाना जाता है?
यस सर, सर इन्हें विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर्स के नाम से भी जाना जाता है। आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं? यस सर, मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। तो राजस्थान स्टेट, इन राजस्थान स्टेट द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज असाइंड टू? सर जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सर मैं श्रीगंगानगर से बिलोंग करती हूँ। ओके, इसे और क्या कहा जाता है? सर इन्हें फूड बास्केट ऑफ राजस्थान कहा जाता है। ओके, तो अगेती जो क्रॉप है वो किससे रिलेटेड है? सर कॉटन से रिलेटेड है। गुड। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल अप्रूव्ड द कमिटीज रिकमेंडेशन इन व्हिच ईयर? सर 1958। आरटीआई एक्ट कब शुरू हुआ था? सर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है वो 2005 में पारित हुआ था। ओके, इसने किस एक्ट को रिप्लेस किया था और कब किया था? सर राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट है उसने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन जो रिलेटेड एक्ट है उसको रिप्लेस किया था 2002 में। ओके, व्हाट डज द 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेट टू? सर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, इसके चेयरमैन कौन है जीएसटी के? सर जीएसटी के जो चेयरमैन है वो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। okay. इसकी टैगलाइन? सर इसकी टैगलाइन है वन नेशन वन टैक्स। ओके, वन नेशन। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया? सर 5 years और टिल कंप्लीशन ऑफ 65 years ऑफ एज। ओके, यदि हमें तहसीलदार बनना है तो हमें क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए? सर अगर हम तहसीलदार की पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो हमें बहुत से स्पेशल स्किल्स का होना इंपॉर्टेंट है। हमारी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, हमें अकाउंट्स रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए, मैथमेटिक जो कैलकुलेशन है वो हमें आनी चाहिए, लैंड रिलेटेड और केसेस रिलेटेड लॉ वगैरह रूल रेगुलेशन जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं उनका हमें नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों पर कमांड अच्छी होनी चाहिए। अगर लोकल लैंग्वेज पर भी हमारी कमांड अच्छी है तो हमें लोगों के साथ अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करने में आसानी होगी। और इसके अलावा सर हमें टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। ओके, मोनिका आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस क्या है? सर माय स्ट्रेंथ आई एम कॉन्फिडेंट ऑनेस्ट एंड पंचुअल पर्सनैलिटी। और आपकी वीकनेस? सर माय वीकनेस आई एम लिटिल टॉकेटिव। ओके, और आपकी हॉबीज क्या बनता? सर माय हॉबीज आर मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, एक्सप्लोरिंग न्यू कल्चर एंड गार्डनिंग। व्हाट डज योर नेम मीन? सर माय नेम इज गुड एडवाइजर एंड मैं बताना चाहूंगी सर आई एम वेरी मच सिमिलर टू माय नेम इज गुड एडवाइजर एंड आई लाइक टू एडवाइस एंड हेल्प अदर्स। आप जानते हैं कि अगर आप तहसीलदार जॉब के लिए आ रहे हैं तो आपको यहां पर बहुत लोगों से मिलना होगा, नई नई कमिटीज में जाना होगा। yes, तो आप किस तरीके के लोगों के साथ मिलना पसंद करते हैं और किस तरीके के लोगों के साथ पसंद बिल्कुल नहीं करते? सर बीइंग ए वर्सेटाइल पर्सनैलिटी मैं अपने आप को हर माहौल में हर लोगों के अंदर एडजस्ट कर लेती हूँ। okay. बट आप प्रेफरेंस पूछ रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगी मैं उन लोगों के साथ वर्क करना ज़्यादा पसंद करूँगी जो मेरी तरह हैं, मेरी तरह स्ट्रेंथ रखते हैं, जैसे पंचुअल है, अपने टाइम को लेकर अपने टाइम की रिस्पेक्ट करते हैं, अपने वर्क को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। और उन लोगों के साथ वर्क करना नहीं पसंद करूँगी जो लेती है नेगेटिव थिंक रखते हैं। आप जानते हैं कि तहसीलदार का वर्क आई कैन से इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। यस सर, सो इट इज़ वेरी टफ जॉब, बहुत प्रेशर भी होगा, तो मैनेज कैसे करोगी? सर मैं मैनेज कर लूँगी। और सर जैसे जैसे कि हम जानते हैं ये हमारी लर्निंग स्टेज है, अगर थोड़ा बहुत प्रेशर होगा तो मैं वर्क करना प्रेफर करूँगी। और पॉजिटिव प्रेशर नेसेसरी, ये हमारी स्किल्स को बढ़ाने के लिए ही होता है। और सर मेरा मानना है कि अगर हम वर्क लोड ले लेते हैं तो ही हम पर प्रेशर आता है। और वर्क लोड तभी होता है जब हम किसी काम को इकट्ठा कर लेते हैं, डिले करते हैं, तो सर मैं ऐसा नहीं करूँगी। ओके मोनिका, मान लीजिए हमारे पास और भी बहुत से कैंडिडेट्स हैं तो हम रैंकिंग के बेस पर आपको क्यों सिलेक्ट करें? ऐसा क्या रीजन दीजिए हमें कि हम उन्हें ना करें आपको करें, क्योंकि हमारे पास तो एक ही सीट है, तो कोई रीजन दीजिए। सर एट प्रेजेंट आई कांट जज अदर्स हु आर स्टैंडिंग इन क्यू लाइक मी, बट आई टेल अबाउट माय सेल्फ। आई एम डिटरमिन्ड एंड डेडिकेटेड पर्सन स्पेशली टुवर्ड्स माय वर्क एंड आई विल जस्टिफाई योर सिलेक्शन बाय 100% ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी। सर प्लीज गिव मी चांस टू शो माय स्ट्रेंथ। वंडरफुल मोनिका, आपने अपनी तरफ से बेस्ट दिया और समय आ गया हमारे व्यूअर्स को बेनिफिट देने का जो लास्ट तक हमारे वीडियो को देखते हैं। दोस्तों यदि आप तहसीलदार इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियस है, सबसे पहले तो आपका जो जीके है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इवन आप जानते हैं कि ये जो आज जो मैंने इंटरव्यू लिया है ये इंटरव्यू आपके रिटन एग्जाम में भी बेनिफिशियल देगा। पर अब टिप इंपॉर्टेंट, ज़्यादा पार्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जो मैं टिप आपको देने वाला हूँ वो टोटली बेस्ड है आपके सिलेक्शन पर। तो देखिए यदि आप इस तरीके का इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ऑब्वियस है वो आपसे जो सिलेक्शन बेस्ड है आपका वो क्राइटेरिया सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आपकी बॉडी लैंग्वेज। तो जब इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पुटअप करें, ध्यान से सुनिएगा, तो उस समय आप इंटरव्यूअर की तरफ इस तरीके से नोटिस कीजिए, बात सुनिए कि उनको ये लगे कि आप दुनिया के बेस्ट लिसनर हो। यदि आपको बात नहीं सुनाई दे तो आप ये भी कह सकते हैं सर मे आई बेग योर पार्डन प्लीज, मगर उस समय आपकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा आगे झुकी हुई और आगे की तरफ आकर कहेंगे सर मे आई बेग योर पार्डन प्लीज, क्या मैं दोबारा जान सकता हूँ, इसका मीनिंग ये है। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियस आप जवाब देंगे आप श्योर सर यस सर आई एम रेडी, और आप जवाब देंगे। मान लीजिए आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आप कहेंगे सॉरी सर एट प्रेजेंट आई एम नॉट वेल अवेयर अबाउट दिस क्वेश्चन, आप कह सकते हो।
अब मान लीजिए कई बार क्या होगा, इंटरव्यूअर आपको उसका जवाब देते हैं तो आप कहेंगे थैंक यू सर, थैंक यू फॉर अपडेटिंग माय नॉलेज। अगर आप इस तरीके से बातचीत करते हैं इंटरव्यूअर से तो डेफिनेटली आप इंटरव्यूअर को ज्यादा इंप्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो मोनिका ने जिस तरीके से इंट्रोडक्शन के बारे में, मैंने हॉबीज पूछी, मैंने स्ट्रेंथ्स पूछा, तो एक्चुअली में कई बार ये भी होगा कि इंटरव्यूअर आपको डायरेक्ट कंप्लीट इंट्रोडक्शन दे सकता है बोलने के लिए। तो इंट्रोडक्शन के दौरान भी आप ध्यान रखेंगे, आप नेम बताइए, क्वालिफिकेशन बताइए, हॉबीज बताइए, एम बताइए, स्ट्रेंथ्स बताइए, इन बातों को अगर आप लेकर चलते हैं डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, कुछ करंट जीके आप अच्छे से करेंगे, अगर वो जीके आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखते हैं अपना, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है दोस्तों कि ये क्वेश्चन इस इंटरव्यू में नहीं पूछा गया तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम डेफिनेटली आपको आंसर देंगे। मोनिका, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू, बेस्ट इंटरव्यू दिया, गिव इट अप, ब्लेसिंग्स, थैंक यू सर।